गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन टुडे नेवियस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर टेन लाइट साउंड एंड फोर्स येस वी हैव डिसकस्ड फ्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लाइट देन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स दैन वॉट डू यू मीन बाई शेडो शेडो कैसे फॉर्म होता है कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक थ्री इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना टू फॉर्म शैडो That we have read. So today, children, we are going to move forward with the next topic. Okay? So aaj hum log start karenge with an activity, interesting activity, children. मैंने starting में ही बोला था ना, बहुत सारे different, interesting and amazing activities हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं, okay? So let's start with the first one. ओवर हियर व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड आपके पास किन किन चीज़ों के अरेंजमेंट्स होने चाहिए आपके पास एक टेबल होना चाहिए एक टॉर्च होना चाहिए एंड अ स्मॉल बॉल जो क्रिकेट वाला बॉल आता है ना आप लोग खेलते हो जिससे वो होना चाहिए बस दैट्स ऑल नाउ लेट स्टार्ट विद एक्टिविटी वॉट यू नीडेड टू डू प्लेस अ बॉल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एक वॉल के सामने में आप बॉल को प्लेस कर देना टेबल है टेबल जो है वो वॉल से थोड़ा डिस्टेंस में रहेगा सी दिस पिक्चर इट विल बी मच क्लियर टू यू और उसके बाद क्या करोगे आप टॉर्च को ऑन कर देना और उसके सामने एक बॉल को प्लेस कर देना रख देना ओके एंड वॉट यू विल सी और वन मोर थिंग चिल्ड्रेन कि रूम को पूरी तरह डार्क कर देना स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स ऑफ द रूम एंड स्विच ऑन अ टॉर्च बिहाइंड द बॉल बॉल के पीछे से टॉर्च को आपने ऑन कर रखा है नाउ द शेडो ऑफ द बॉल इज सीन ऑन द वॉल रखा हुआ है जिसके ऊपर टॉर्च की लाइट फेस हो रही है और क्या होगा कि वही बॉल का जो शेडो है वो फ्रेम होता है वॉल पे ये आप देखोगे फर्स्ट उसके बाद आप क्या करोगे यू आर गोइंग टू रिमूव द बॉल एंड प्लेस अ पीस ऑफ ग्लास इंस्टेड आप क्या करोगे उसके बाद जो बॉल है उसको रिमूव कर देना और बॉल के जगह में एक ग्लास के पीस को रख देना ओके नाउ स्विच ऑन द टॉर्च अगेन फिर से टॉर्च को ऑन करना नाउ व्हाट यू विल सी यू विल नॉट सी एनी शेडो ऑन द वॉल अब आपको वॉल पे कोई शेडो नहीं दिखेगा द इज अ रीजन बॉल की तो शेडो दिखी बट आपको ग्लास की शैडो नहीं दिखेगी ये ऑल्सो आई हैव टॉट यू ऑल न कि शैडो जो है वो हमेशा ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फॉर्म करता है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और यू कैन से डार्क ऑब्जेक्ट्स यू कैन से जो ऑब्जेक्ट्स डार्क होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं बट ग्लास जो है ना बच्चों वो तो ट्रांसपेरेंट होता है आर या पार आज कहते हो ना आप लोग वो सब कुछ नज़र आ जाता है उसमें मिरर के सामने जब आप अपीयर होते हो तो आप अपने आप को विजिबल करते हो ना मिरर में लेकिन अगर सामने एक बुक रख दोगे तो आर यू विजिबल इन द बुक नो बिकॉज आपकी जो बुक है वो ब्लॉक्ड है वो डार्क है इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट क्लियर न यू सी दैट अ बॉल फॉर्म्स अ शैडो बट अ पीस ऑफ ग्लास डज नॉट वाई इट हैपन्स बिकॉज द पीस ऑफ ग्लास डज नॉट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट इट अलाउज़ लाइट टू पास थ्रू इट वॉट इज़ शेडो ये भी मैंने आपको समझाया था ना शेडो क्या होता है शेडो ऐसी चीज़ होती है लाइट जो है वो इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन ये सबको पता है तो जो भी ऑब्जेक्ट को जो लाइट ब्लॉक करती है लाइट को जो ऑब्जेक्ट से ब्लॉक किया जाता है तभी हमारा शेडो फॉर्म होता है तो यहाँ पर क्या है कि जब आप बॉल रखते हो तो ब्लॉक हो रहा है लाइट बीच में तो आप बॉल का शेडो फॉर्म हो रहा है बट एज यू प्लेस द पीस ऑफ ग्लास वॉट हैपन्स इट डजेंट

जो मैंने आपको कहा था ना डार्क होते हैं तो उन्हें हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं शेडो आर फॉर्म्ड ओनली ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन इट और इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों क्या होता है शेडोज आर फॉर्म्ड ओनली ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उन्हीं का शेडो फॉर्म होता है ओके क्लियर टू यू ऑल वाई बिकॉज जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके बीच से लाइट ट्रांसफर नहीं होता है शेडो फॉर्म होता है बट जस्ट द ऑपोजिट यू कैन से सम ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास चम्बल कलरलेस थिन प्लास्टिक शीट्स एक्सेट्रा अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम दे आर कॉल्ड वॉट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स चिल्ड्रेन एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट शेडोज मैंने आपको समझाया था ना अभी कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे शेडो फॉर्म नहीं होता है क्योंकि वो लोग लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाते लाइट उसमें से भी ट्रैवल हो जाती है तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं ग्लास टम्बलर्स कलरलेस थिन प्लास्टिक शीट्स भी रहता है ना उससे उस भी वो भी तो ट्रांसपेरेंट होती है तो लाइट कैनॉट पास जिस चीज़ से लाइट क्रॉस कर जाता है तो वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाता है ट्रांसपेरेंट और जिससे लाइट क्रॉस नहीं हो पाती है दोज आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्लियर टू यू पीपल नाउ चिल्ड्रेन एन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्लिप्स ये मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा इसके बारे में एक्लिप्स रिसेंटली ऑल्सो यू कैन से ऑन चिल्ड्रेन गुरु पूर्णिमा के दिन भी एक एक्लिप्स था बट इट वॉज नॉट विजिबल वो इंडिया में विजिबल नहीं था नाउ अगेन यू विल से मैम वॉट इज एक्लिप्स वी हैवेंट हर्ड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जिन्हें नहीं पता तो अगर मैं अभी एक और वर्ड जैसे ही स्पेल करूंगी ना आप सब कहोगे यस मैम यस मैम वी ऑल नो व्हाट इज एक्लिप्स यू नो व्हाट एक्लिप्स को हिंदी में क्या कहते हैं ग्रहण ग्रहण लगता है ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये आपने सुना होगा ना तो दैट इज ओनली नोन एज एक्लिप्स चिल्ड्रेन क्लियर नाउ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन द सन लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन समाइम्स द अर्थ और द मून ब्लॉक्स सन लाइट एंड इट्स शेडो इज फॉर्म दिस फिनन इज कॉल्ड एज एक्लिप्स इस फेनोमिन को हम लोग क्या कहते हैं एक्लिप्स क्या होता है अर्थ तो सन के ओर रिवॉल्व करता है मूव करता रहता है अराउंड में सन लाइट जो सन का जो लाइट रहता है वो कहाँ आता है अर्थ पे फॉल करता है उसी तरह मून भी जो है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है अर्थ की सॉरी अर्थ के आसपास वो रिवॉल्व करता है नाउ, द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन मून जो है वो सन से लाइट लेता है और उसके बाद मून से वो लाइट कहाँ आती है अर्थ पर आती है क्लियर ना समाइम्स द अर्थ और द मून ब्लॉक्स सन लाइट एंड इट्स शेडो इज फॉर्म्ड तो कभी कभी क्या होता है जो लाइट जो मून से आ रही है अर्थ पर वो ब्लॉक हो जाती है और शेडो फॉर्म हो जाता है अर्थ पर ना द फनोमिन ये जो फेनोमिन है इसे हम लोग क्या कहते हैं एक्लिप्स कहते हैं बच्चों क्लियर जिसे हिंदी में हम ग्रहण भी कहते हैं आपने सुना होगा ना अभी मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स चिल्ड्रेन एक होता है आपका सोलर एक्लिप्स एंड अनदर इज लूनर एक्लिप्स जो कि एक होता है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और एक जो होता है उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं लाइक सोलर एक्लिप्स जो है उसे सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स जो रहता है उसे हम लोग हिंदी में चंद्र ग्रहण कहते हैं नो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल वेन डज सोलर एक्लिप्स अक सोलर एक्लिप्स कब अकर करता है

जिसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण इट अकर्स वेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ ये कब फॉर्म होता है कब ग्रहण लगता है जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है सी द पिक्चर ओवर व यर चिल्ड्रेन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिस इज सन दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ तो मून जो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है ना इस टाइप से आपको रिवॉल्व करता है ना अर्थ के चारों ओर तो जैसे ही वो सन और मू अर्थ के मिड में आ जाता है तो क्या फॉर्म होता है एक्लिप्स फॉर्म होता है क्लियर विच एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स नाउ द मून देन ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द सन लाइट अ शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ द सन इज हिडन बिहाइंड द मून पार्शली और कम्प्लीटली तो क्या होता है जो सन है वो हिडन हो जाता है कभी कभी पार्शली या फिर कभी कभी कंप्लीटली पूरी तरीके से भी वो हिडन हो जाता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं ना तो वो क्या होता है कम्प्लीटली पूरी तरह डार्क हो जाता है डे टाइम में भी लगता है कि नाइट हो गया बर्ड्स चर्प करना स्टार्ट कर देते हैं हैवी हर्ड ना कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी तो दैट अपियर्स ओनली वेन देर इज अ सोलर एक्लिप्स चिल्ड्रेन क्लियर इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ लेट सी लूनर अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग सोलर okay? पढ़ लिया हमने लूनर एक्लिप्स means चंद्र ग्रहण children. ओके okay? अब ये कब अपीयर होता है इट अकर्स वेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में जब आ जाता है ओके okay? तो क्या होता है कौन सा एक्लिप्स फॉर्म होता है लूनर एक्लिप्स द अर्थ ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द सनलाइट अ शेडो ऑफ द अर्थ इज फॉर्मड ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कंप्लीटली तो क्या हो गया कौन सा एक्प्स फॉर्म हुआ लूनर एक्लिप्स जब अर्थ मून और सन के बीच में आता है तो लूनर एक्लिप्स होता है और uh, कब होता है सोलर एक्लिप्स जब मून सन और अर्थ के बीच में आता है क्लियर आई होप इट इज क्लियर सी दिस पिक्चर चिल्ड्रेन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिस इज मून ओके दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन तो अर्थ का किसके बीच में आके ब्लॉक कर दिया लाइट को सन से जो मून में लाइट आती है ना उस लाइट को वो ब्लॉक कर दिया अर्थ तो क्या हो गया अर्थ को भी लाइट नहीं मिल रहा है सो इट इज लूनर एक्लिप्स इज इट क्लियर टू यू पीपल थैंक यू